दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। मैं एक सिलाई की फैक्ट्री में काम किया करता था। मेरा मालिक बहुत ही सीधा इंसान था। वो हमेशा अपनी ही सोच में डूबा रहता था। वो कभी भी किसी से हंसी मजाक नहीं किया करता था। लोगों से सिर्फ काम की बात ही किया करता था। मैं उसे काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा था। वो काफ़ी गहरी सोच में डूबा रहता था। ये बात तब की है जब एक रोज़ मैं फैक्ट्री से काम ख़त्म करके अपने घर जा रहा था। जब मैं फैक्ट्री से बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि मालिक की डेस्क पर उनका मोबाइल और पर्स रखा हुआ है। वो अपना मोबाइल कभी भी कहीं नहीं छोड़ते थे, लेकिन आज पता नहीं कैसे उनका मोबाइल फैक्ट्री में ही छूट गया था। मैंने सोचा कि शायद उनको उनके मोबाइल की ज़रूरत होगी, इसलिए वहाँ से मैंने वो मोबाइल और पर्स उठा लिया। जब मैं अपने घर जाता था तो मेरे रास्ते में ही मालिक का घर भी पड़ता था, इसलिए मैंने सोचा कि जाते वक्त रास्ते में मालिक के घर पे उनका मोबाइल और पर्स देते हुए चला जाऊंगा। इसलिए मैं अपनी फैक्ट्री से उनका मोबाइल और पर्स लेकर निकल गया। कुछ ही देर में मालिक के घर के बहुत करीब मैं पहुँच चुका था। वहाँ जा कर के मैंने उनके घर की डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से दरवाज़ा खोलने को कोई नहीं आया। मैंने ज़ोर से अपने मालिक को दो तीन आवाज़ें लगाईं, लेकिन अब भी दरवाज़ा नहीं खुला था। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं? ना तो ये मोबाइल पर्स में घर ले जा सकता हूं और ना ही वापस फैक्ट्री जा सकता हूं। इसलिए मैंने एक बार ज़ोर से दरवाज़े पर धक्का दिया। मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। घर में अंदर सभी सामान इधर उधर फैली पड़ी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने घर के अंदर तोड़फोड़ करी हो। ऐसा मंजर देख करके मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर अचानक ही मालिक की बीवी के ऊपर मेरी नज़र पड़ गई, जो एक बड़े से सोफे पर सो रही थी। मैंने वहीं से खड़े खड़े दो तीन बार ज़ोरों से आवाज़ लगाई, लेकिन अभी भी उनकी आँख नहीं खुली थी। वह अभी भी सो रही थी। अब मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे, लेकिन फिर अचानक ही मैंने देखा कि मालिक की बीवी अपनी आँखें खोल रही है। मैंने उनसे कहा कि ये मालिक का मोबाइल है और ये उनका पर्स, वो फैक्ट्री में ही इसे भूल गए थे, मैं उसे यहाँ लेकर आ गया। क्या मालिक घर पर हैं? लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली, सिर्फ चुपचाप मेरी तरफ देखती जा रही थी। उनका इस तरीके से देखना मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। मालिक के घर में एक बड़ी सी टेबल रखी हुई थी। मैंने सोचा ये मोबाइल और पर्स उसी टेबल पर रख करके यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। मैं जैसे ही घर के अंदर गया, अचानक ही घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैंने वो मोबाइल और पर्स उसी जगह टेबल पर रख दिया और मालिक की बीवी से चलते चलते कहने लगा, ये मालिक का मोबाइल और पर्स यहीं रखा है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इतना कहते ही मैं दरवाजे के पास आ गया और मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन अब तो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। दरवाजे में कोई कुंडी ताला नहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं खींच कर दरवाजे को नहीं खोल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने दरवाजे को ज़ोरों से पकड़ रखा हो, और दूसरी तरफ मालिक की बीवी मेरी तरफ घूर घूर के मुझे देखे ही जा रही थी। अब मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा। मैंने दो तीन आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से अपने मालिक को लगाई, लेकिन घर में शायद मालिक उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। मैंने एक बार फिर से ज़ोरों से दरवाजे को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब मालिक की बीवी सोफे के ऊपर खड़ी हुई थी और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी लग रही थी। उसने बड़ी बड़ी आंखें खोल रखी थी और अपने मुंह से जबान को बार बार बाहर निकालती थी। उसने सारे बाल अपने खोल रखे थे और सारे बाल सामने कंधे पर लटके हुए थे, और दूसरी तरफ कमरे का वो डरावना मंजर। ये सब देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा डरने लगा था। इस वक्त मैं मालिक की बीवी की तरफ ही देख रहा था। वो धीरे धीरे सोफे से नीचे उतरी और अंदर कमरे की तरफ चली गई, और कमरे के अंदर से एक बहुत ज़ोर से कोई बड़ी चीज़ गिरने की आवाज़ आई। मैं एक बार फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, फिर अचानक ही मुझे मेरे कंधे के ऊपर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरी मालिक की बीवी ही थी। उसने मुझे देखते ही अचानक ही अपने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ के दबाना शुरू कर दिया और फिर मुझे खींच कर कमरे के दूसरी ओर फेंक दिया। मैं एक सोफे के पास जा करके गिरा। अब मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा।
ताकि कोई मेरी आवाज़ सुन करके यहाँ आ जाए। लेकिन शायद उस जगह किसी को भी मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए कोई भी वहाँ नहीं आया। और फिर अचानक मालिक की बीवी एक आदमी की आवाज़ में बोलने लगी, आज मुझे बलि चाहिए और तू खुद चलकर मेरे पास आ गया। फिर वो चलते हुए मेरे पास आई और मेरी टांग पकड़ के मुझे खींचते हुए अंदर के कमरे में ले गई। अंदर के कमरे में मंजर और भी ज़्यादा डरावना था। वहाँ पूरे फर्श पर खून फैला पड़ा था और एक छोटे से बच्चे की लाश पड़ी हुई थी जिसका सर उसके धड़ से अलग था। ये सब देख करके अब मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, ना तो मैं चलने के काबिल था और ना ही उठने के काबिल था। उसने मुझे घसीट के कमरे के अंदर फेंक दिया और मैं एक तरफ कोने में चुपचाप पड़ा रहा। मैं बहुत ज़ोरों से चिल्लाना चाहता था लेकिन मेरे हलक से आवाज़ भी बाहर नहीं आ रही थी। मेरी आँखों ने इतना डरावना मंजर कभी भी नहीं देखा था। और फिर उस औरत ने फर्श पर पड़ा हुआ जो जमा हुआ खून था, उस खून को उठा उठा के मेरे ऊपर छिड़कना शुरू कर दिया। वो जो भी कुछ कर रही थी मैं चुपचाप पड़ा हुआ सब कुछ करवा रहा था। और फिर वो कमरे से बाहर चली गई। मैं कुछ देर तक अंदर ही पड़ा रहा। अब मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी अंदर पड़े पड़े, लेकिन वो औरत कमरे के अंदर नहीं आई थी। मैं खुद चुपचाप उठ करके बाहर जाने की कोशिश करने लगा। बाहर आकर मैंने देखा तो उसी सोफे पर वो दोबारा से बैठी हुई थी। मैं उसके पास से हल्के हल्के निकलने लगा तो मैंने देखा उसकी आंखें बंद थी। मैंने जाकर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, अचानक ही मैंने पीछे देखा, वो एक बार फिर से मेरे पीछे आकर खड़ी हुई थी। जैसे ही मैंने उसे देखा तो मेरा दिल और ज़ोरों से घबराने लगा और मैं उसे देखते ही ज़ोरों से चिल्ला पड़ा और वहीं फ़र्श पे गिर गया। लेकिन इस वक्त वो एक नॉर्मल औरत की आवाज़ में ही बात कर रही थी और वो मुझसे शायद कह रही थी कि तुम्हें क्या हुआ है, कौन हो तुम, इस घर में कैसे आ गए, तुम मेरे घर से अभी बाहर निकल जाओ, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। ये बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली तो मिल गई, लेकिन मैं चाहता था कि एक बार किसी तरह दरवाज़ा खुल जाए तो मैं बाहर निकल जाऊं। अचानक ही डोरबेल बजी और उस औरत ने दरवाज़ा खोल दिया और मैंने देखा कि घर के अंदर मालिक आ गए। मालिक को देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला और मैं मालिक से सारी बात बताने लगा, लेकिन मालिक मेरी बात नहीं सुन रहे थे। वो अपनी वाइफ को पकड़ के अंदर कमरे की तरफ ले जाने लगे और फिर अचानक ही उनकी वाइफ एक बार फिर से उसी आदमी की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, क्या तू मुझे नहीं छोड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे भी मार दूँ, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दे अभी के अभी। लेकिन मालिक ने अपनी गले की टाई निकाल कर और अपनी वाइफ के दोनों हाथ पीछे बांध दिए और उसे ला कर के सोफे पर ढकेल दिया। अब वो ज़ोर ज़ोर से बहुत ही डरावनी आवाज़ में चिल्ला रही थी और कभी हंसती थी कभी रोने लगती थी। फिर मेरे मालिक मेरे पास आए और कहने लगे, ये बात किसी से भी मत बताना और हो सके तो यहाँ से तुम अभी चले जाओ। मैं तुरंत ही उनके घर से बाहर निकल गया और अपने घर किसी तरह पहुँच गया। अपने घर पहुँचने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने अपने घर वाले से वो सारी बात बताई। मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए और मुझे तांत्रिक के पास भी ले गए। लगभग एक हफ्ते के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था और मैं डरते हुए अपने काम पर एक बार फिर से पहुंच गया। वहां जाकर मैंने किसी से कोई बात नहीं की। जब मेरे मालिक आए उन्होंने मुझे इशारे से अपने कमरे में बुलाया। अपने कमरे में बुला करके उन्होंने मुझसे वो सारी बात पूछी कि मैं वहां पर क्यों गया था। मैंने उनको बताया कि मैं उनका पर्स और मोबाइल देने के लिए गया था। मालिक ने बताया वो दोबारा से फैक्ट्री आए थे अपना पर्स और मोबाइल लेने, लेकिन वहाँ ये सामान नहीं मिला और लोगों ने बताया कि वो तुम्हारे घर गया हुआ है। मैंने मालिक से उनकी बीवी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मेरी बीवी के ऊपर कोई शैतान चढ़ा हुआ है जिसकी वजह से मैं और मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इस परेशानी का कोई हल नहीं है। मैंने काफ़ी तांत्रिक और लोगों को भी दिखला रखा है, लेकिन आज तक किसी ने इसका कोई भी मुझे उपाय नहीं बताया। फिर मैंने अपने मालिक से ये बताया कि अंदर कमरे में एक बच्चे की लाश पड़ी हुई मैंने देखी थी, आखिर वो बच्चा कौन है। मेरे मालिक ने मुझसे बताया कि वो बच्चा और कोई नहीं, वो मेरा ही बेटा है जिसको मेरी बीवी ने, या फिर यूं कहें कि उस शैतान ने गला काट के मार दिया है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। अब तो मुझे लगता है कि मुझको मेरी बीवी को ही मार देना चाहिए, वरना हो सकता है वो आस पड़ोस के लोगों को भी नुकसान पहुँचा दे।
ये सब बात होने के लगभग 15 दिन के बाद मेरे मालिक ने मुझसे बताया कि उनकी बीवी मर चुकी है। मैं समझ चुका था कि शायद मेरे मालिक ने ही अपनी बीवी को मार दिया होगा, लेकिन बाद में लोगों से पता चला कि उनकी बीवी ने खुदकुशी कर ली थी। मेरे मालिक अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा चाहते थे। और ये कहानी समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।